आज हम लाल मास बना रहे हैं। छत्ती पर बनाने का था, थोड़ी बरसात हो गई तो हॉल में शिफ्ट हो गए हैं। ये माधवेंद्र सिंह जी, घी से घी बन रहा है, उससे बरसात के चक्कर में स्टार्टिंग का वो घी और वो खड़े मसाले दिखा नहीं सके। हमारा प्याज लमसम भून गया है और हम डालेंगे इसके अंदर लीट। मटन डालते हुए हमने दो जनों के हिसाब से ही मटन बनाया है आज। 3 पाव मीट हमारा ये मटन को, इसको 15-1 मिनट आँच पे भुना जाएगा। अब मटन में हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। हमारा मटन भुन के तैयार हो गया है। अब हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने पीसा नहीं है, पेस्ट नहीं है, मतलब कुटा हुआ ही हमने इसके अंदर, इसको हमने कूटा है इसको। ये देखिए इसकी रंगत ब्राउन कलर आ गया इसके अंदर। इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ जो अपन ने पीसा था वो हम भून चुके हैं पूरा। अब इसके अंदर डालेंगे अपन हम टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया कटा हुआ, जिससे कभी प्रॉपर ढंग से गल जाएगा ना ये मसाला के अंदर तो दिखेगा नहीं, वरना ये थोड़ा इसके अंदर हल्के से पीस दिखते हैं। ये देखो जी ओसा यार, पीस देखो क्या चीज है यार। सही में प्रेफर करूंगा कि ये ना आप मटन खाओ, क्योंकि चिकन में वो बात नहीं है जो मटन में है। राजपूती जो खाते हैं काश में, अपन सिर्फ मटन प्रेफर करते हैं। मटन खाओ आप, देखो क्या पीस है, देखो खड़े खड़े एकदम। ये देखो लल्ली, ये राइफल है ये, बस एक बार पक जाए इसके अंदर निकलेगी बारूद। तो भाइयों, आपको जैसा पता है कि हमने अभी कुछ देर पहले टमाटर डाला था, अब टमाटर हमारा सौगी हो चुका है, बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। अब अपन आपको जैसे ही पता है आपको, हम बनाने वाले बीकानेरी लाल मास, तो अब इसमें हम डालेंगे खड़ी लाल मिर्च का पेस्ट, क्योंकि ग्रेवी हमेशा लाल मास की खड़ी लाल मिर्च के पेस्ट से ही बनती है। और जैसे कि है हमारे मेरे जियोसा भुवेश्वर सिंह चौहान, जय माता जी की। अब देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा अभी इसमें बचा रह गया है, डालेंगे इसको अभी थोड़ा सा डालेंगे इसमें, थोड़ा मिक्स करेंगे, क्योंकि एकदम तीखापन होना चाहिए। क्योंकि लाल मास का आपको पता है, लाल मास इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जब भी इसको खाते हैं तो इंसान का चेहरा बिल्कुल लाल जैसा हो जाता है, वो तीखेपन से होता है। तो हमने इसलिए इसमें बीकानेरी लाल मास में खड़ी लाल मिर्च का पेस्ट डाला है। अब देखिए लाल मास के रंगत, देखिए खड़े मिर्ची को पीस के ये होते हैं रंगत, और बिना लाल मिर्ची के क्या लाल मास होता है। हम बाहर आ चुके हैं, ये बरसात रुक गई है अब तो, फिर छत के ऊपर बनाने का अलग ही मज़ा है। इस बार निकाल देखो, ये देखो, ये देखो रंगत, देखिए अभी तो खेल बाकी है इसमें। सो गाइस, जैसे आपको पता था, हमने आपको दिखाया भी था कि देखो रंगत, आप देखो अब ये क्या है, बिल्कुल एकदम हमारा खड़ी लाल मिर्च का पेस्ट बिल्कुल एकदम घुल चुका है, मटन के अंदर घुस चुका है, नल्ली में भी देखो एकदम, और लाल मास के अंदर ये लालपन बन को रेडनेस बिल्कुल दिखनी चाहिए। अब डालेंगे अपन, अब अपन डालेंगे दही के अंदर फिटे हुए सारे मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर और दही, नमक, सब इसका फिटा हुआ ढंग से, अपने फिटल मिर्च, बिना फेटा हुआ दही क्या होता है ढंग से पक नहीं पाता और ऊपर लग तैरता है, ढंग से फेटना ज़रूरी है अपन को इसको ना। अब देखिए इसको डालेंगे अपन लोग, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो रंगत इसकी और जो निखरेगा ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए हमारा नया चैनल है ये, मीट तो बचपन से बनाते ही आ रहे हैं, अपने घरों में कुंडों में मीट बनता ही रहता है, मगर आज सोचा बैठे बैठे कि एक ब्लॉग ही स्टार्ट किया जाए, जैसे कि ये बनाए अपने मेरे साले
ये भी शेफ है, एक्चुअल में शेफ का कोर्स करा हुआ है इन्होंने। हिंदी की रेसिपी पूरी इनका हाथ ही बटा रहे हैं हम। बाकी मीट मैं ही बनाता हूँ, अपना अलग स्टाइल है आज इनका। ये होटल्स के अंदर बनाया कौन सा होटल नाम है, कौन सा होटल था? ओबरॉय राजविलास। इन्होंने उनकी रेसिपी है, उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है और काफ़ी फॉरनर्स को बनाया खिलाया हुआ है। तो आज हम ये घरे बना रहे हैं, मतलब मैं आपको ना इसकी जो देसी घी जो खुशबू आ रही है ना गजब। जब भी तो कह रहा हूँ ना मैं 3 पाव मटन बनाया सिर्फ 2 लोगों के लिए, तो आप जान सकते हो हम कितने मटन लवर होंगे। अब हमने दही डाल दिया है, जैसा कि देखिए, अब देखिए कलर इसका, रंगत देखिए आप इसकी, ये देखिए लाल मांस देखिए, ये देखिए एकदम बीकानेरी लाल मांस, एकदम राजस्थानी राजपूतों वाली डिश बनाई है हमने। देखिए ये देखिए रंगत, ये देखिए खिले खिले एकदम। रात हो चुकी है तो वीडियो में ढंग से आ नहीं रही है, लेकिन लाइव देखेंगे ना, मतलब लाइव जब बनाएंगे उनके रेसिपी भी डालेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम क्या है ये बिल्कुल शाम को बना रहे हैं, ये देखिए आप आजू बाजू कोई नहीं है, बिल्कुल रात हो रखी है, लमसम 10 बज गए हैं रात। हाँ हमने दही डाल दिया है, दही थोड़ा पानी छोड़ेगा, ग्रेवी में थोड़ा पानी आएगा, अब उसको मीट को और भूनेंगे, दही भी थोड़ा और पकेगा, मसाले भी पकेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आजू बाजू थोड़ा वो ऑयल आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मसाला और दही बिल्कुल पक चुका है। तो हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही हमारा दही और बस चलाना बढ़िया है, इसको चलाते रहना है, इसको बस चलाते रहना, लगना नहीं चाहिए ये हमारे जीवो सा, देखो एकदम जैसे ऐसे ही चलाना है, जैसे ये चलाते जा रहे हैं बिल्कुल एकदम क्लॉक वाइज एकदम चलाना है, चलाते रहना है। खुशबू ना आपके एकदम मुँह पे आए इसकी, एकदम आप बोलो क्या भाप लग रही है इसकी यार। अभी पानी ऐड कर दीजिए, लास्ट पीस को पकने के लिए सीजने के लिए पानी ज़रूरी है ना, और अपन पानी बाद में एक पीस का निकाल के अपन देखेंगे कि ना सीज गया है, ये सीजना ज़रूरी है, अपन देख लेते हैं एक बार। ये निकाले पीस, देखिए पीस देखिए, और मैं चैलेंज करता हूँ हम खातीपुरा जो थोड़ा जयपुर से ही बना रहे हैं मटन भेजे हुए हम, और ऐसा मटन कोई ना, मैंने बहुत रेस्टोरेंट देखे हैं, मैंने बहुत खाया बाहर वैशाली नगर पूरा ऑल ऑफ जयपुर में खाया, थोड़ा हर जगह बना के, पर ऐसा मटन कोई ना बाहर शॉप पे कहीं मिल जाए ना तो उसके मटन खाना छोड़ दूंगा। मैं बहुत गजब मटन लग रही हूँ, देखिए बहुत लोगों ने वीडियो देखे हैं, मिलियन व्यूज देखे हैं मटन के, ये राजपूत लाल मास्क के ऊपर और ये अपने बीकानेरी जैसलमेरी लाल मास्क पर आता है, मगर इससे बेटर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जो अपने घर में बनता है ना मटन वो दुनिया में कोई नहीं बन सकता। हाँ वो भी कमाने के लिए बनाते हैं दुकान है शॉप से, मगर अपना जो ये मटन है ना वो दुनिया में नहीं बना सकता ऐसा मटन, हमारी तरफ से ये सबसे बेस्ट है दुनिया में, तो क्या जयपुर में तो कुछ नहीं बना पाएगा, अपने फीलिंग को समझिए एक बार। इधर देखिए हमारा मीट बन चुका है, देखिए सिरंगा देखिए एक बार, तरी देखिए एक बार लपट मत है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके अंदर लास्ट में सरस का घी अपना 1 चम्मच मैंने डाल दिया, उसके अंदर घी छोटे और टाइट हो गया है ना, ये डाल दिया अपने इसके अंदर 1 चम्मच घी, लास्ट में हरा धनिया की बिना तो कई मटन का स्वाद है। और हमेशा जब मटन को चलाना हो, मटन बनाते हैं अपन तो हमेशा ना पलटे से लेगा, पलटे से इससे पीछे टूटे नहीं, देखिए तो चलाइए मटन बिल्कुल तैयार है, मटन को अपन उतार के नीचे देते हैं अपन, अब मटन को सर्व करेंगे। ये देखिए एक बार ये रोटियों का बेड बना दिया हमने, 6 रोटियों का बेड है, इसके ऊपर डलेगा मीट और अब खाएंगे। ये नली
देख के बताइएगा और रिएक्शन बताइएगा कि ये हम आपको मटन कैसा लगा। देखिए ये तो स्टार्टिंग है, ये मटन हम साफ कर देंगे, तरी बचेगी, सुबह उसको आप उसको चावल के साथ खाने का, चावल के अंदर अलग ही मज़ा है मटन खाने का। तो अभी हम खा के बताएंगे आपको कैसे मीट बनाया है। ग्रेवी मतलब बता ही सकता क्या गजब मीट बनाया ना, गजब। अब इंजॉय करते हैं।